कैसा लग रहा है, क्योंकि आप तो इस लाइन से ज्यादा कनेक्टेड है तो आपको ज्यादा मतलब वो पता होगा कौन कैसा है पर्सनली जाकर, तो आपको कैसा लग रहा है? अब इतना तो किसी का नहीं है मंदिर, क्योंकि अभी 1 वीक ही हुआ है, अभी तो लोग इतने खुले भी नहीं है, मतलब गेम अच्छे से उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है बहुत लोगों ने, तो अभी किसी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बट अभी तक का तो सबका ठीक ही जा रहा है, मतलब ना किसी का काम ना किसी का ज़्यादा, मतलब ठीक जा रहा है गेम। तो अब तक जैसा कि जैसे जब उनको ऐसा आया कि बिग बॉस में वो जाने वाली 17 में, तो आप लोग का रिएक्शन क्या था जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला? बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा खुश थे मम्मी पापा, तो बहुत ज़्यादा खुश थे, सभी लोग हैप्पी थे, फैमिली वो में भी जितने बहुत भी थे ज़्यादा सभी खुश हैप्पी थी, थे, क्योंकि उसको इतना अच्छा इस टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको, तो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ऐसा लगा जब इतने महीने घर से दूर रहेगी, बहनों से दूर रहेगी, क्योंकि बहनें बहनें ज़्यादा कनेक्टेड रहती है, एक यार दूसरे से बातें शेयर थोड़ा करना। सा अच्छा तो नहीं लगा, बट ठीक है, हम लोग बहुत खुश थे, एटलीस्ट वो बिग बॉस के घर में गई हुई है और वो खेल रही है, अच्छा खेल रही है, तो हम लोगों को बहुत अंदर से ऐसा बहुत नहीं कि प्राउड फील बहुत हुआ। टाइम लगेगा, और ऑफ कोर्स काम के लिए तो हम लोग कहीं भी जाते हैं शूट को, तो एक दो यस महीने तो कभी कभी लग भी लग जाते हैं, जाते ऐसा हैं। नहीं है, और वो ज़्यादा दूर भी नहीं है फिल्म सिटी में इतना नहीं है, बट बहुत खुश है, ऐसा नहीं कि दूर है, बट हाँ ये है कि हम लोग उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, हाँ वो मेन तो बात वो ही चीज़ है कि है, वो कहीं भी जाती तो हम लोग को फोन कॉल वीडियो कॉल होता रहता हाँ था, कनेक्टिंग रहती है, बट तो अभी इस टाइम ऐसा था कनेक्टिंग कि नहीं थोड़ा है। कनेक्ट नहीं है, बट मैं ये तो है कि मेरी सिस्टर को 24 घंटे में देख सकती हूँ, यस बहुत लोग देख सकते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ उस उस चीज़ चीज से, के लिए हम हम बहुत बहुत खुश। बोल सकते हैं पहली बार हुआ है ना, तो कॉल पे बात कर सकते हैं, या लाइन फर्स्ट मिल टाइम हुआ, सकते यस हैं, यस फर्स्ट टाइम फर्स्ट हुआ टाइम ऐसे, हुआ जो हम उससे बात नहीं कर सकते कुछ भी नहीं, तो इसलिए, बट उसको हम देख तो देख सकते हैं टीवी पे, उसको ऑल टाइम मेरे घर में लाइव चलता रहता है बिग बॉस का, तो हम वो हम ऐसा देखते नहीं। रहते हैं। अभी रिएक्शन कैसा हो रहा है फैमिली और उनके फ्रेंड्स का, कि मतलब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफ अरे कोर्स ऐसा सपोर्ट कर वैसा कर ऐसा, मतलब टीवी के कर सामने होता होगा पेरेंट्स का हाँ या तो फिर वो तो आप लोगों होता है, का? वो सबका ही होता होता है, हमारा भी होता है कि जैसे किसी ने बोल दिया जाके उसको बोलो कि हाँ सफाई दो कि खान जादी के कि किसी ने क्या बोला, तो वो चीज़ मैं बोलती हूँ कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऐसा क्यों बोला किसी को, सॉरी जाके बोलना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बड़ा है तो उसके रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट भी करना है, लिमिट तक करना है, ये नहीं कि कोई ऊपर आ रहा है, तो मैं अपने आप में बोलती हूँ ऐसा मत कर, सॉरी, तो ऐसा होता है। आपको क्या लग रहा है अब तक उनके स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कौन है? उसके साथ में तो अभी तक तो उसका सब किसी से भी इतना अच्छा केमिस्ट्री नहीं बैठा है, इतना अच्छा फ्रेंडशिप नहीं हुआ है किसी का, जितना जा सकता है, तो नॉर्मल खानजादी है से सबके साथ। हो सकता है, क्योंकि खानजादी उसको सपोर्ट भी करती है कुछ कुछ चीज़ों में, उसको सोनिया भी उसको सपोर्ट करती है, तो अभी स्टार्टिंग में हुआ था कि जैसे सोनिया आई थी खानजादी, दोनों के साथ में एंट्री हुई थी, तो उनका ऐसा लग रहा था कि उसका अच्छा बॉन्डिंग अच्छी फ्रेंडशिप है। जाएगा, तो बट ऐसा हुआ नहीं उन दोनों का साथ में। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है शायद अभिषेक उनके कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं, का आई कुछ ना थिंक कुछ बिकॉज ऐसे अभी कॉन्ट्रोवर्सीज हो अभी रहे ऐसा हैं। दिखा नहीं कि ऐसा हो रहा है, अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम सोनिया, आपके बेस्ट कॉम और कंटेस्टेंट कौन से हैं? मेरे ऐसा तो सभी हैं, बट इतना बोला जाए, बट मेरा सबसे ज्यादा है कि विक्की कि वो विकी बहुत फनी है, सबके साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं, तो वो फर्स्ट है, और मेरी सिस्टर भी मेरे लिए फर्स्ट है। विक्की और सोनिया का केमिस्ट्री कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, विक्की के साथ में सबका ही अच्छा है, और सोनी बॉन्डिंग के सबके साथ भी साथ अच्छी अच्छी है। होती है। और विक्की और अंकिता का, हाँ वो भी अच्छा, वो हस्बैंड क्योंकि वाइफ है तो ऑब्वियसली उनके साथ तो अच्छा हो गई, वो लोग का बहुत इशू भी क्रिएट हो रहा है, हाँ लेकिन वो तो साथ में नॉर्मल लोग मजे है, भी ले होता रहे रहता है, हैं। बट अच्छा है, अच्छा आप दोनों में से सबसे ज्यादा क्लोज कौन है सोनिया से? हम दोनों ही क्लोज हैं, मैं भी दोनों बोलती एक हूँ, हाँ जैसे। दोनों ही क्लोज हैं। तो अभी रिसेंटली जल्दी उनका बर्थडे भी आने वाला है, हर साल 28, शायद आप लोग 28, साथ में मनाते होंगे, यस तो यस, इस बार आप लोग क्या करेंगे अब कुछ ऐसा अच्छे कुछ? से अच्छे बनाएंगे, से घर पे बनाएंगे बनाएंगे, कोई नहीं कि हम केक हम खुद उसको से काटेंगे उस हम टाइम खुद से काट देंगे, पे। टीवी में देख लेंगे उसको, तो ऐसा कुछ नहीं, हमेशा जैसे बनाते हैं हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, इस बार भी बहुत अच्छे से बनाएंगे, और मैं भी चाहती हूँ बिग बॉस में उसके लिए बहुत अच्छे से करेंगे। और जब वैसे पेरेंट्स को बुलाते हैं जब, तो आप दोनों में से कौन जाएंगे अगर नहीं किसी मैं नहीं एक को जाऊंगी, मैं बुलाया? नहीं जाऊंगी, इनफैक्ट मैं इसको भेजूंगी, क्योंकि मेरी ये लाइन डिफरेंट है, मुझे इसमें कुछ नॉलेज नहीं है किसी भी चीज को लेके, तो मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसको है तो मैं इसको भेजूंगी। लेकिन सोनिया से नहीं मिलना रहेगा? जैसे सोनिया एक्चुअली घर पे ही आएगी, तो मैं उससे घर पे मिल लूंगी। आपको क्या लगता है कि रिंकू को और सॉरी सोनिया को क्या क्या चेंजेस करना चाहिए? अब तक मतलब एक ही वीक हुआ है, लेकिन एक वीक में भी लोग देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चेंजेस करना उसको चाहिए। चेंज ये करना चाहिए कि किसी की बातों में नहीं बातों में आना, नहीं आना चाहिए ठीक है, एक्चुअली वो क्योंकि जल्दी थोड़ा सा सुन लेती है किसी को, थोड़ा तो सा आ नहीं, जाता आप है ठीक उनको, है नहीं आप आना रिस्पेक्ट चाहिए। करते हो, ठीक है यार, बट इतना नहीं कि आप किसी के मतलब बिग बॉस के घर पे हो, तो आपको गेम के हिसाब से ही खेलना चाहिए। और कुछ क्या तैयारी चल रही है जब वो कमबैक करेगी फिर से घर पर?
अभी तो एक ही वीक हुआ है, लेकिन अभी से आप लोग स्टार्ट तैयारी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आगे तक जाए। आगे तक तो वो जाएगी, लेकिन जब आएगी तब, अभी तो ऐसी कोई तैयारी भी नहीं है, क्योंकि अभी तो एक ही वीक हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं, अब 1 वीक हुआ है तो हमें इस चीज को लेके और इसके पहले की अगर बात करें तो इसके पहले बिग बॉस में आपके कौन से फेवरेट कंटेस्टेंट थे? मेरे इस बार जो था वो मनीषा रानी था, ठीक है, और मैंने जितना ज्यादा नहीं देखा इस बार देखा, क्योंकि मनीषा रानी को मैं एक दो बार मिली थी सैलून में, तो मनीषा रानी की इसलिए वजह से देखा, और सिर्फ मनीषा रानी के लिए देखा था, तो मुझे मनीषा रानी अच्छी लगी। कॉमेडी करती थी, लोगों को इंटरनेट गन बहुत ज्यादा करती थी, तो इसलिए वो इस बार क्या लग रहा है टोन, वो बहुत लोगों को बहुत पसंद आया था। यस यस, उस बार तो मनीषा रानी थी, लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है कौन एंटरटेन कर रहा है लोगों को सबसे ज्यादा? ऐसा कुछ नॉर्मल है अभी, ऐसा कुछ है स्टार्टिंग हो रहा है, मुझे लगता है सोनिया भी है इस चीज में, सब नॉर्मल लगे हैं अपने अपने में, तो वो सब चीजें। वैसे तो सोनिया तो उसमें अलग दिख रही है, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप लोगों के साथ उनकी क्या, मतलब कैसा है उनका पर्सनलिटी है सब? वो तो है, वो चीज होता है गुस्से में तो वो सुनाती है, वो सबको सुनाती है, ऐसा नहीं कि बड़ी है छोटी नहीं, सबको सुनाती है। जब उस चीज में लगता है कि वो गलत नहीं है और उसको गलत ठहराया जा रहा है तो वो सुनाती है, और बहुत फनी भी है, ऐसा नहीं कि किसी का, वो बहुत चिल भी रहती है किसी किसी टाइम पे, और बहुत लड़ाई भी करती है, तो उसका है बहुत ज्यादा फनी है ऐसा नेचर है, बहुत ज्यादा फनी है, मतलब बैठी है तो बहुत लोगों से जो कनेक्ट होती है तो बहुत अच्छे से बात करती है, और लोग वो हंसाती भी है बहुत ज्यादा, इसके जो जोक्स होते हैं वो मारती रहती है, इधर उधर से बातें चीजें होती है वो सब करती है। तो ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस के घर में जाके वो थोड़ी चेंज हो रही है या फिर बदलाव आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, बट अभी आगे गेम करेगी, वो बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा। अभी 1 वीक हुआ है तो हम कुछ कह नहीं सकते, जितना भी हुआ है बहुत अच्छा गेम जैसा है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो किसी के बीच में नहीं आती लड़ाई में, किसी को गलत नहीं बोलती, तो वो चीज है उसमें, पर जो उसके लिए कोई गलत बोलेगा तो वो जो है रियल है, वो उधर रियल है। तो बाकी जो उनके फैंस है सोनिया के फैंस, उन लोग को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो पहले तो थैंक यू बोलूंगी, थैंक यू सो मच, आपकी सपोर्ट के लिए, आपके प्यार की वजह से ही है सब कुछ, और हमेशा आप इतना प्यार इतना सपोर्ट हमेशा करते रहना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। योर नेम? साक्षी शर्मा। साक्षी शर्मा, ओके, नाइस नेम, थैंक यू।